बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, मेनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है, दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मेनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप पूरा योगदान दीजिए। मैम, अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दांव खेलती है मेनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, वो जानती है कि मेनपुरी। बीजेपी में रहकर आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का सियासी भविष्य बन पाएगा या नहीं? अपर्णा यादव क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में इस बार बीजेपी से उनकी विदाई देखने को मिल सकती है या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से अपर्णा यादव अब बयान दे रही हैं, उन्होंने बीते कल जिस तरह से बयान दिया कि वह डिंपल यादव का सम्मान पहले भी करती थी, आगे भी करेंगी और यूं ही उनका सम्मान करती रहेंगी, उनके खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव जिस तरह से प्रत्याशी बनाई गई हैं एक बार फिर से, ऐसे में अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि बीजेपी अगर वहां से उन्हें टिकट देगी तो वह डिंपल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि परिवार के लिए किसी भी कीमत पर वह सियासत नहीं करेंगी। दूसरी तरफ कहती हैं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर बीजेपी उतारती है तो मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं रायबरेली से जीत हासिल कर लूंगी। अपर्णा यादव के ये बयान, क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान सीरियस लेते हुए रायबरेली से उन्हें टिकट दे देंगे या फिर अपर्णा यादव को दरकिनार करने की कोशिश अब की जा सकती है? देखिए, इसमें एक बात तो समझने वाली जरूरी है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव के बयान पर आप गौर करें तो नजर आता है कि वो कहती है कि मैं अपनी दीदी यानी कि जो डिंपल यादव है उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो यानी कि क्या बीजेपी की तरफ से उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप जो है मेनपुरी से चुनाव लड़िए? क्योंकि जिस तरह से वो बात कहती हुई नजर आ रही है उसको तो यही लगता है कि बीजेपी की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा होगा कि भाई आप जाइए और मेनपुरी से अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन जो अपर्णा यादव है कहती है कि भाई मैं ये कभी नहीं करूंगी, मैं अपने परिवार के खिलाफ जो पॉलिटिकल तौर पर कभी नहीं जाऊंगी। अब ऐसे में वो दूसरी बात रखती हैं। देखिए, दोनों ही बातें कहने की बीजेपी को बता रही हैं, चेता रही हैं कि अगर बीजेपी ने उनको सीरियसली नहीं लिया तो वो कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा स्टेप उठा सकती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि भाई या तो मुझे आप प्रियंका गांधी के खिलाफ जो है रायबरेली से उतारिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अगर मुझे बोलेंगे कि मैनपुरी से आप जाकर चुनाव लड़िए तो मैं कभी चुनाव वहाँ से नहीं लड़ूंगी, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी जो है वो किसी न किसी तरह से उनको जो है इस बात के लिए ज़रूर कह रहा होगा, उकसा रहा होगा कि भाई आप जो है डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव में लड़िए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो एक अलग पब्लिसिटी आपको मिलेगी। लेकिन अपर्णा कहती है कि नहीं, मुझे मेरे परिवार के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन अगर चुनाव में आप लड़ाना ही चाहते हैं तो मैं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहूँ, क्योंकि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही हैं। और देखिए, जो प्रियंका गांधी हैं पॉलिटिकल तौर पर तो बहुत एक्टिव रही हैं और तमाम तरह के प्रचार प्रसार, तमाम तरह रैलियाँ और तमाम तरह से राहुल गांधी के साथ कई जो कह सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत न्याय यात्रा, उसमें खूब नजर आई। लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्या वो जिस तरह से चुनाव में जाएंगी, तो पहले तो प्रियंका गांधी ने मना किया, नहीं मुझे नहीं लड़ना, लेकिन अब जो खबर है उसके हिसाब से रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव में उतर सकती है। और यहीं पे सारी जो बयानबाजी बहुत ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरह से कहा है कि मैं प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव में जाऊंगी और अगर मुझे बीजेपी लड़ना चाहती है तो मैं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहूंगी, तो अपने आप में ये दो तरह की बात हो जाती है कि एक तो कि क्या बीजेपी वाकई अपर्णा यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही, क्या वाकई जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं बांध कर रखे हुए कि नहीं आप इस लाइन से आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे में अब अपर्णा यादव के पास रास्ते क्या हैं, क्या वापस उनको आना है? क्योंकि शिवपाल यादव के साथ में जो जिस तरह का उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनकी जो कह सकते रिलेशन है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और बारंबार यही बात कही जाती है कि हो सकता है कि अब शिवपाल यादव के कहने पे अपर्णा यादव जो है वापस सपा कुनबे में आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि सपा के लिए मजबूती होगी, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस उम्मीद के साथ में अपर्णा यादव को लेकर अपनी पार्टी में आई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव के लिए बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन बात यहां पर कर ली जाए अपर्णा यादव को लेकर, जिस तरह से मैनपुरी सीट पर अब तक अपर्णा को नहीं उतारा गया, चाहे बात यहां पर कर ली जाए मैनपुरी सीट से हटकर, मैनपुरी पर तो वह खुद उतरना
नहीं चाहती और इस सीट पर अब तक किसी प्रत्याशी का नाम घोषित तक नहीं किया। दावे किए जा रहे हैं कि जयवीर सिंह हो सकते हैं प्रत्याशी या फिर संघमित्रा मौर्य को टिकट दे सकती है बीजेपी, लेकिन शिवपाल यादव कहते हैं कि संघमित्रा मौर्य तो हमारा साथ देंगी। जो चुनावी मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनके लिहाज से वह संघमित्रा मौर्य का नाम लेते हुए नजर आए थे। लेकिन यहां पर अगर बात कर ली जाए, अपर्णा यादव को आखिरकार बार बार दरकिनार क्यों? क्या अपर्णा यादव पर बीजेपी को वो भरोसा अभी नजर नहीं आ रहा है कि अपर्णा यादव आने वाले समय में चुनाव में जीत दिला सकती हैं? परिवार यहां पर उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाए तो परिवार तो उनके सामने खड़ा ही होगा। तो ऐसे में अपर्णा यादव एक बेहद बड़ी चुनौती लेकर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई है, तो क्या यही चीजें अब उनके आड़े आ रही है जो उन्हें जिम्मेदारियां नहीं मिल रही अभी तक? देखिए बिल्कुल, और जब बीजेपी के अंदर उनकी एंट्री हुई उसके बाद से लगातार इस बात को कयास लगे कि भाई बीजेपी में शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा, हो सकता है कि योगी सरकार में उनको मंत्रालय भी मिल जाए, कोई मंत्री बन जाएं, एमएलसी बन जाएं, एमएलए बन जाएं। लेकिन हर बार आप देखें तो अपर्णा यादव को सिर्फ छला गया, हर बार अपर्णा यादव के साथ में सिर्फ सौदेबाजी की गई। क्योंकि आपने अगर आपको अगर याद हो तो जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है उसके बाद जब उपचुनाव होने की बारी आती है मैनपुरी से, तब भी अपर्णा यादव का नाम निकल कर सामने आता और तब भी ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पर परिवार के कह सकते लड़ाई देखने को मिले और यादव जो बहुएं हैं वो यहाँ पर आपस में टकराती हुई नजर आए। कई दौर की बातचीत उस समय भी अपर्णा यादव से हुई थी, कई बड़े नेता बीजेपी के मिले, लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरह से अब कहा है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, तब भी उन्होंने वही बात कही थी। तो ऐसे में पूरी तरह समझ में आता है कि बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव को उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन अपर्णा ने कहा है कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए आप मुझे मत चुनाव में लड़ाइए, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। और देखिए उन्होंने यही बात कही कि मैनपुरी में मैं नहीं जाऊंगी, अगर आपको लड़ाना ही है तो मुझे रायबरेली भेजिए। भले ही प्रियंका जो गांधी एक बड़ी नेता है, लेकिन जिस तरह का मेरा भी कह सकते हैं कि लोकप्रियता है और मैं भी लगातार जिस तरह से सोशल वर्क में एक्टिव हूं और लगातार राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव हूं, तो वाकई मैं भी रायबरेली जीत दर्ज कर सकती हूं, लेकिन आप मुझे मेरे परिवार के खिलाफ मत लड़ाइए। मैं जाऊँ, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं चुनाव में उतरूँ तो बहुत सारी सीटें, और शायद आपको याद हो कि एक प्रोग्राम में मैंने आपसे ये बात कही थी कि आखिर अपर्णा यादव को सिर्फ मैनपुरी तक क्यों सीमित किया जा रहा है, यूपी में 80 सीटों वाला राज्य है, कहीं से भी उनको उतार सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ परिवार के खिलाफ उनको उतारना बीजेपी का मकसद है? तो ऐसे में ये साफ नजर आता है कि अपर्णा यादव भी समझ रही हैं और अपर्णा यादव ने जिस तरह से अब ये बात कही है उसके कई तरह के मायने निकल सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं डिम्पल यादव के मुकाबले कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगी या फिर अपने परिवार का सामना राजनीति में मैं कभी भी नहीं करूंगी, और अगर मुझे लड़ाना है तो किसी और सीट से लड़ाइए, लेकिन मैं मैनपुरी नहीं जाऊंगी। देखिए जिस तरह से अपर्णा यादव भी अपनी जीत पर हैं, लेकिन अपर्णा यादव ने एक बात तो यहां पर साफ तौर पर कह दी है कि आप रायबरेली से उतारिए तो मैं चुनाव जीत कर भी दिखाऊंगी, मुझे भरोसा है। अब रायबरेली सीट जो है वो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, अमेठी सीट भी गांधी परिवार का गढ़ रही, लेकिन यहां से जीत जिस तरह से स्मृति ईरानी ने हासिल की, इसके बाद से अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो डर है, वो खौफ है कि आखिरकार किसे मैदान में उतारा जाए। तो रायबरेली से आखिरकार प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो क्या अपर्णा यादव यहां से उतरेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है। यूपी में ऐसी कई सीटें हैं जिन पर अब तक बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित तक नहीं किए, तकरीबन 12 सीटें भी बाकी रह गई हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम आना भी बाकी है। यहां पर आपको कुछ बयान सुनाना चाहेंगे, अपर्णा यादव ने बीते दिनों में क्या कुछ कहा और डिम्पल यादव किस तरीके से साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो अपर्णा यादव का वह भी स्वागत करती है, सुनिए जरा। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेजी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे किसे प्रसाद मौर्य किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से, हम अपने बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है, दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूं और आप पूरा योगदान दीजिए। मैम अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दांव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी क्योंकि यहां की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, वो जानती है कि मैनपुरी, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है।
अब यही देखना होगा कि वाकई में अपर्णा का जो स्वागत है वो वाकई में समाजवादी पार्टी में किया जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यही बनता है कि बीजेपी के साथ अपर्णा की अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कैसी देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ हो चाहे पीएम मोदी हो, सबके साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड हमने देखा है और बीते कुछ दिनों पहले मुलाकातों का दौर भी देखा था। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सपा के सुर बदल जाना, क्या डिम्पल यादव की एक नई कोशिश ये है कि अपर्णा के इंतजार में वह बैठी है और अपर्णा को वह वाकई में लाना चाहती है? देखिए बिल्कुल लाना चाहते हैं और जाहिर बात है कि जिस तरह का अब पूरे का पूरा माहौल नजर आता है अपर्णा के खिलाफ बीजेपी के अंदर, तो जाहिर बात है कि हो सकता है कि अपर्णा को अब अपने परिवार की याद आए, वापस वो आती हुई नजर आ जाए। क्योंकि देखिए तमाम सारी सीटें जहां पर अपर्णा यादव को ट्राई किया जा सकता है, आपने जिक्र किया कि अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के कई प्रत्याशियों का उतरना बाकी है। इसमें कैसरगंज की अगर बात की जाए जहां से ब्रजभूषण है और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, अगर बीजेपी को तमाम तरह के दाग ये धोने हैं तो वहां से एक महिला चेहरे को उतार सकते हैं। अपर्णा यादव क्या कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़ सकती, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मैनपुरी में ही आखिर उनको क्यों लेकर जाया जा रहा है, ताकि परिवार के खिलाफ वो खड़ी हों और परिवार का माहौल वहां पर बिगड़ता हुआ नजर आए। लेकिन अपर्णा ने जिस कह सकते हैं जिस तरह से ये बात रखी है, जिस बेबाक अंदाज में बोला है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली जरूर मचेगी और हो सकता है कि यहां से अपर्णा यादव को लेकर कोई नई साजिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आए। क्योंकि जो भी बीजेपी में पार्टी के खिलाफ बोलता है, आपने देखा वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना शुरू किया उनका टिकट काट दिया गया। तो यही कुछ अपर्णा यादव के साथ मुझे लगता होता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कहीं से भी आप चुनाव लड़ा दीजिए। जबकि अगर रायबरेली को आप देखें तो सबसे मजबूत सीट रही है गांधी परिवार की, वहां पर पुश्तैनी सीट कहा जा सकता है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव में उतरती है वहां से तो एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा और यही बात अपर्णा कह रही है कि मैं वहां से भी चुनाव लड़ूंगी, भले ही मुझे हार क्यों ना मिले लेकिन मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अपर्णा के लिए जो बीजेपी में स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है, और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा आपने बयान सुनाया भी कि जिस तरह से डिम्पल यादव ने कहा है कि उनकी अगर वापसी होती है तो बिल्कुल जो पार्टी का आलाकमान है उनसे बात करके जरूर हो सकती है, तो मुझे भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपर्णा यादव की जो घर वापसी है वो सपा के अंदर होती हुई नजर आए। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव बीजेपी में कोई अहम भूमिका में नजर आती हैं या फिर नहीं। अगर नहीं नजर आती हैं तो विधानसभा चुनाव जल्द ही यूपी में होंगे और उन विधानसभा चुनाव में क्या अपर्णा यादव अपने फैसले को बदलेंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।